फिलहाल आड़े पहुंच रहे हैं हम, आरोपी को भी आड़े रखा गया है। अगर जीव है तो पेटा भर जा, ना जीव है भाई अपना अंतिम संस्कार कर ले, यानी कि इनका संतुष्टि तो हो जाए भाई, है या नहीं है। जी आरोपी आपके पास है वहाँ पर ताल भी कर। अभी ये चीजें मत पूछो, मेरे SHO से पूछो कि उस बच्चे की चप्पल भी उसमें बरामद हुई है, तो उसका दर्द आपने लगा है जी उस समय तनिष्क गाड़ी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चप्पल बरामद हुई है, एक चप्पल नहीं। जब उसका रिमांड लेकर आदमी भारी से भारी उसका घटना का पर्दाफाश करते हैं, क्या एक सामान्य 12 साल के बच्चे को नहीं ढूंढ सकती प्रशासन? जो मासूम है वो कुछ सवाल छोड़ कर गया है, जो सवाल हम खाकी तभी करेंगे। तो भाई 11 साल का जो तनिष्क है, जिसका इबले कोई एतबेद को नहीं, उसकी ढूंग था का डन खतर हम पहुंचे हैं जरोट पुलिस चौकी में। फिलहाल तमशा में देखने लग रहे हो जरोट पुलिस चौकी है, और यह वह गाड़ी है जिसको इस षड्यंत्र में कह लो या इस दुर्घटना में यह गाड़ी शामिल थी। इसमें तुम देख सको हो गाड़ी के शीशे। रोहतास भाई आप बता रहे थे गाड़ी के जो शीशे हैं बाद में तोड़े गए हैं। हाँ ये देखो जी, पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये देखो जी, मतलब ये बोल रहा है मैं इस शीशे से बाहर आया हूँ। अच्छा। और ये शीशे गांव के बंदों ने, धर्मवीर हजाज वो किसी काम से अमृतसर गया है। हाँ मतलब एक मिनट कैमरा मैन तिकूंगा पर जूम करके दिया भाई, ऊपर शीशा अटक रहा है ईब तक भी ऊपर शीशा का टुकड़ा अटक रहा है। अगर इतना भी शीशा नीचे है तो ऊपर शीशा नहीं अटक सकता। और आड़े भी देख रहे हो तुम किस तरह जो है ऊपर तक जो है शीशे के जो टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, वो दूर की दूर लेयर बन रही है। और इसका मतलब ये है कि जो शीशे हैं जिस टाइम यह दुर्घटना घटी है उस टाइम गाड़ी के जो शीशे हैं वह बंद थे, या तो क्रेन के निशान होंगे ना, वो पकड़ कर ठाई होगी उस टाइम के हैं। तो आगे तभी तो हम देख सको भाई जिस तरह स्पीड में होती तो ये नदी में जाके या तो पलटी होती या टकराती जो आगे वाली दीवार है, और पूरा बम्पर बैंड होता। षड्यंत्र से कुछ भी रचा गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल का जो तनिष्क है उसका इबले कोई एतबेद को नहीं। हालांकि फिलहाल जो है जरोट पुलिस चौकी है जो फिलहाल आड़े पहुंच रहे हैं हम, आरोपी को भी आड़े रखा गया है। और फिलहाल जो है हम पहुंचे हैं मामले की पड़ताल करने खातर, जो आड़े के जो इंचार्ज हैं उन तो बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे मामला क्या है। हाँ जी राम राम जी, चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी इंचार्ज जी SI कुलदीप सिंह है। अभी फिलहाल नहीं, बादरगढ़ गए हुए हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी आरोपी आपके पास है वहाँ पड़ताल भी कर। अभी ये चीजें मत पूछो, मेरे SHO से पूछो। ठीक है सर, तो सारी जानकारी मामले की SHO साहब देंगे, चौकी इंचार्ज खरखोदा। तो भाई तुम देख सको हो पुलिस प्रशासन की भी अगर मैं बात करूँ तो 90 तुले शब्द में अपनी बात रख रहे हैं। मामला कितना संवेदनशील है उसका तो हम अंदाजा ला सको हो। फिलहाल जो है राजेंद्र जी ने कहा है कि SHO साहब इसके ऊपर सारी जो बयान है या इस ईब तक की पूछताछ में आरोपी ने के स्वीकार किया है, इसकी जो पड़ताल है खरखोदा SHO के दौरान पहुँचाएंगे, पूछेंगे ईब तक की मामले में के निकल का है। हालांकि जो गाँव के जो मौजूद व्यक्ति हैं या जो पीड़ित यानी कि जो परिवार जो जिसने इस हादसे में जान दी है उनके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े बेचैन हैं। और ताऊ जी जिस तरह ओडा ग्राउंड जीरो पर भी थे, ताऊ जी कुछ पेटा भरया इनसे बात करी भाई? वो SP साहब बताओगे जी पेटा भरेगा? अभी कोई पेटा नहीं भरा हमारा, कोई पेटा भरने वाली बात, कोई पेटा नहीं भरा हमारा। 11 साल का उस बच्चे का भी कोई एतबेद ना, उसका कोई पता नहीं अब तक। तो भाई तुम देख सको किस तरह के उलझ पुलझ वाले सवाल हैं, मामला किस तरह उलझ आया है, तो इसकी और डूंग था कहतर मामले की छानबीन खातर हम पहुँचाएंगे खरखोदा थाना में और पूछेंगे SHO साहब में भाई इस मामले में इब तक के लिकड़ का आया है आज मार के लिए। तो भाई शेरू खड़ी यानी कि 11 साल का जो मासूम है उसका कोई एतबेद नहीं। फिलहाल जो उसकी जानकारी खातर हम पहुँचे हाँ ASP खरखोदा के पास यानी कि डॉक्टर मयंक गुप्ता जी के पास, तो मिलेंगे पूछेंगे। भाई क्या नाम अपना? प्रदीप भाई। प्रदीप भाई बैठे ना अंदर? हाँ भाई। तो आज मार गया है तो पूछेंगे ASP साहब से भी, और जो रिश्तेदार हैं जो पीड़ित यानी कि जो उस परिवार के वह भी फिलहाल मौजूद हैं, तो ASP साहब पर पूछेंगे हम। तो फिलहाल आ रहे जो बुजुर्ग हैं गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वह भी जानकारी लेने लग रहे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताइए। तो
जी जो ये प्रकरण है, जो पीड़ित जो रिश्तेदार आए हुए हैं फिलहाल, और 11 साल का जो मासूम है, 26 तारीख की जो ये दुर्घटना थी या घटना थी या षड्यंत्र के तहत मामला अंजाम पहुंचाया गया, अभी तक इसमें क्या तो लिखड़ आया है और 11 साल के बच्चे का क्या अभी तक अता पता? अभी तक की जो पुलिस की तफ्तीश रही है उसके हिसाब से कोई ऐसा अप्रिय बात सामने नहीं आई है कि ऐसा लगे कि ये हत्या है। अभी तक तो यही सामने आया है कि एक्सीडेंट ही था। रही बात 11 साल के बच्चे की, तो उसको ढूंढने के लिए पहले से ही SDRF और जो IRB की हमारी एक स्पेशल डाइवर्स गोताखोर हैं वो सब लगा दिए गए थे। उन्होंने काफ़ी 5-6 दिन प्रयास किया और अब प्रशासन ने और इसे ढूंढने के लिए NDRF को बुलाने के लिए भी चिट्ठी लिखी है। मतलब नहर की अगर मैं बात करूं, वो छोटा सा रजबा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी घटना के तुरंत बाद भी गोताखोर क्यों नहीं ढूंढ पाए उसको? एक्चुअली हुआ ऐसा था कि घटना के तुरंत बाद ही गांव वालों ने या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कुछ एक ड्रेन नंबर 8 है उसका दरवाज़ा भी खोल दिया था, और इस नहर की पूरी जाँच गोताखोरों ने कर ली है, पर अब ड्रेन नंबर 8 के दरवाजे खुल जाने के कारण एक बहुत ही लंबा क्षेत्र बच गया है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। गाँव के जो बुजुर्ग हैं आपके पास आए हुए हैं न्याय की गुहार लेके, और इनका साफ तौर पे अपील है, इनका कहना है कि भाई जो वो पुल है, जो पुल इतना कंजस्टेड है कि स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे 10-15 की स्पीड रहती है, उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है? अब बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो पुल पट से ट्रक आ रहा था, ट्रक की स्पीड रही होगी 10-12, पर जो कार आ रही थी, तो ड्राइवर का कहना है कि वो कार तेज चला रहा था, लगभग 50 की स्पीड उस समय थी और उसका ध्यान नहीं था, तो उसने अचानक जब ट्रक की तरफ देखा तो अचानक सामने ट्रक दिखाई दिया, तब स्टीयरिंग नॉर्मली घूम गया। लेकिन उसकी अगर मैं बात करूं तो खून, ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि भी कान से खून निकल रहा था। अगर रजवाए में, अगर वो नहर में गिरे हैं अगर सारे पानी गाड़ी के साथ, तो चोट लगने की संभावना है? कान से खून तो कहीं भी, बहुत सारे नहर में पत्थर भी होते हैं, साइड में भी पत्थर होते हैं, कार से बाहर भी निकला है, स्ट्रगल हुआ है, तो कान में से खून तो खनौज के कारण कहीं भी निकल सकता है। लेकिन मैं जी, अभी जैसे जो पीड़ित रिश्तेदार हैं, जो उनका पेटा नहीं भर रहा, यानी कि सेटिस्फाई नहीं है ये, तो क्यों, कारण क्या है इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ढुलमुल बता रहे हैं? नहीं, वैसे मौके पर जो भी इन्होंने सवाल उठाए थे उन सभी का बिंदुवार विश्लेषण किया जा चुका है। मैं खुद भी मौके पर 4 घंटे रह के आया हूँ, हर पॉइंट का विश्लेषण किया गया है, CCTV फुटेज भी खंगाली गई है जिसमें कार भी दिख रही है, ट्रक भी दिख रहा है, तो हमारी तरफ से तो तफ्तीश में कोई ऐसे बुरी बात सामने नहीं आई है जिससे ये लगे कि ये हत्या है, पर फिर भी अगर इन्हें कोई डाउट है तो वो हमारे सामने रखेंगे, तो हम उन्हें भी जितना भरसक प्रयास करेंगे सुलझाने का। अभी तक मान लो जो आरोपी है उसने पूछताछ में कोई ऐसा खुलासा किया कि क्या इसके पीछे मंशा थी, कोई षड्यंत्र था या नहीं था, और उस गाड़ी में उस समय मौके पे मौजूद था कि नहीं था वो जो मासूम 11 साल का? जो पूछताछ में तो उसने यही कहा है कि उसका तो कोई षड्यंत्र नहीं था, ये अकस्मात एक घटना हुई जो एक्सीडेंट ही था, और मासूम गाड़ी में मौजूद था क्योंकि मासूम की एक चप्पल भी गाड़ी में मिली है। अब तक जो एक नई बात निकल कर आई है, जो गांव वाले, अब तक हमारी जानकारी में यह बात को नहीं आई थी कि उस बच्चे की चप्पल भी उसमें बरामद हुई है, तो उसका दर्पण आपने लगा है जी उस समय तनिष्क गाड़ी में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चप्पल बरामद हुई है, एक चप्पल नहीं हुई है। तो इसको डेड बॉडी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि तो मिस हैपनिंग की ही संभावना लगाई जा सकता है, क्या संभावना, कब तक बरामद की? ये तो देखिए, अब NDRF आएगी तो उस वो लगेगी इसमें ढूंढने में, उसके कब तक, अगर उसके परिवार वालों की नज़र में कोई अच्छा गोताखोर है तो वो हमें बता सकते हैं कि इस गोताखोर को बुलाइए, तो हम उसे भी बुला सकते हैं। हमारी नज़र में कोई गोताखोर नहीं हमारे पास। की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी खंगाल लिया गया है मामला जी, पर फिर अब जो भारत की सबसे अच्छी NDRF है उसे बुलाया जाएगा जी। तो वो एक बार और आखिरी प्रयास एक अपना कर लेगी। धन्यवाद जी। तो ये थे भाई ASP मयंक, जिनने साफ तौर पर कहा है अगर भाई हमारी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, लेकिन फिलहाल जो है घूम फिर का मामला ये हुआ है कि 11 साल का जो तनिष्क है उसका अब तक कोई हितभेद को नहीं, और जो पीड़ित हैं यानी कि जो रिश्तेदार हैं उनका भी इब कोई पेटा नहीं भर रहा। हालांकि तो पीड़ित परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे लिए मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महावीर है जी। महावीर कौन से गाँव से जी? खंडे से जी। खंडे से क्या लगा आपने इसमें? के मैं इसका खुद का पड़ोसी हूँ। मेरे को यह लगता है जो इसने इतने बयान बदले हैं, जितने भी जो इसने है ये साजिश है, घटना है। दूसरा, प्रशासन ने ये भी नहीं पूछा कि बच्चा गाड़ी में था या नहीं था। ये बड़ी बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात है परिवार को संतुष्ट हो कि बच्चा गाड़ी में था, बह गया संतुष्ट हो, लेकिन बच्चा गाड़ी में, परिवार कहता है वो गाड़ी में था ही नहीं, हो सके बच्चा और कहीं जाके मार के छुआ रखा हो। प्रश्न ये हो जाता उस आदमी को, ड्राइवर को, प्रशासन ने कड़ाई से नहीं पूछने के कारण ये सब धर्म लटका हुआ है। अगर प्रशासन उसको कड़ाई से पूछे, जब उसका रिमांड लेकर आदमी
भारी से भारी उसका घटना का पर्दाफाश करते हैं। क्या एक सामान्य 12 साल के बच्चे को नहीं ढूंढ सकती प्रशासन? सही बात है, बिल्कुल। और फिर इतनी बड़ी नदी भी नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है। और उन्होंने कोशिश नहीं करी गुनाहगार का बचाने की, स्पष्ट कोशिश करती है। मैं यही कहता हूँ कि ये इस अपराध को पूरी कड़ी से कड़ी मिलाकर जांच कर बच्चों को पिटावा, जो उसके परिवार को यूँ हो कि हमने अपने बालक का संस्कार कर दिया, नहीं तो कोई फायदा नहीं जिंदगी का जीने का। और भी कोई बिल्कुल साची पूछो तो उस मासूम ने धरती निगल गई है, आसमान खाया गया, अब तक उसका हेत भेद को नहीं। और पुलिस के लिए बहुत बड़ी असफलता है अगर अब तक उसका भेद नहीं ला पा रही। हाँ, एक फुट का इसमें जो थोड़ा वो मिल गया, ये तो कम से कम यार 4-5 फुट का बच्चा है, वो क्यों नहीं मिला? कहाँ चला गया यार बच्चा? कम से कम जो घटना होगी होगी, कम से कम बच्चे का तो ये पता चल जा भाई, इनका पेटा भर जा, जीवा है या मरे है। अगर जीव है तो पेटा भर जा, ना जीव है भाई अपना अंतिम संस्कार कर ले, यानी कि इनका संतुष्टि तो हो जा भाई, है या नहीं है। यानी कि भाई पुलिस की जो जांच है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, और इन सवालों के जवाब जो है वो हम काट देंगे। तो भाई जिस तरह यहाँ जो संजय जो बताओ नहीं कि भाई शाम में तो ट्रक आ गया था और उसकी वजह से मेरा जो संतुलन बिगड़ गया, जबकि ट्रक की स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से यू आड़े ब्रेकर बन गया भाई, और इस ब्रेकर की वजह से आड़े तक कोई भी साधन आवे है तो उसकी स्पीड जो है वो आद मार के 15 या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थे। दस भी नहीं हो, हमने भी देखो 10-5 साल गाड़ी चलाई है, बड़े ट्रक चलाए हैं, ये रास्ता ऐसा है, ये जो खाड़ी है रोड, रोड ड्राइवर जो बता रहा है ना, मैं वहाँ से मतलब ये जो ट्रक आ रहा था जरोट की तरफ से जो ये भी हाईवा भी निकले हैं, तो अरे ऐसे गड्ढे हैं यहाँ से 10 से ऊपर स्पीड, स्पेशल गियर में गाड़ी निकल सके, वहाँ भीड़ा है तो देख कर उनकी स्पीड कम कर देगा ड्राइवर, स्पेशल गियर से दूसरे गियर में भी गाड़ी निकलेगी यहाँ से। यहाँ पे मोड़ भी दो बने हुए हैं तो हम देख सको हो तो जाए तो हमको वहाँ। अकबर अपराधी ने कोशिश तो बतेरी करी, पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो अपराधी है यानी कि जो आरोपी है संजय, उसने कोशिश तो बतेरी करी इसको दुर्घटना दिखाने खातर, लेकिन वो इसमें कितने कितने सफल नहीं हो पाया। यूँ कहना है जो यानी कि इस घटना के अंदर जो एक्सपायर हुए हैं उनके रिश्तेदारों का साफ तौर पर कहना है अकबर जो आरोपी है संजय, उसने इसको दुर्घटना दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत बड़ा षड्यंत्र था।